की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना सातवां और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट संसद में पेश कर विकसित भारत को 48.21 लाख करोड़ देकर भारत की 140 करोड़ जनता के दुख दर्द कम करने का काम किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट में 9 प्राथमिकताओं का ऐलान कर सभी धर्म वर्ग के लोगों को साधने का काम किया है। बजट की 9 प्राथमिकताओं में खेती में उत्पादकता बढ़ाकर किसान की आय को बढ़ाया जाएगा, रोजगार और क्षमता विकास के माध्यम से युवाओं का भविष्य संवारा जाएगा, विकास भी विरासत भी थीम पर सब समाज की आर्थिक व्यवस्था को मजबूती दी जाएगी, मुद्रा लोन की सीमा 20 लाख कर विनिर्माण सेवा में सुधार किया जाएगा, शहरी विकास योजना गरीबों को आशियाना देगी, महिला संपत्ति खरीद पर छूट पर जोर, ऊर्जा क्षेत्र में होंगे कई अहम कार्य, 800 मेगावाट का बनेगा संयंत्र, जीडीपी का 3% खर्च कर इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई ताकत, सामान्य शोध के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड शुरू कर नवाचार शोध और विकास को नए पंख, अगली पीढ़ी के सुधार के लिए सभी जमीनों को पहचान के लिए भू आधार नंबर देने की शुरुआत, भूमि रिकॉर्ड होगा डिजिटल। जहां सत्ता पक्ष सातवें बजट को सातवें आसमान पर देख रही है, वहीं विपक्ष और बजट की बारीकियों को समझने वाले युवा व्यापारी नेता पीएम मोदी के तीसरे आम बजट को त्रिकोणीय बैसाखी वाला बजट करार दे रही है। विश्व में विख्यात उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी अधिवक्ता अश्वनी रावत ने भारत के वित्त मंत्री के बजट को आम जनमानस विरोधी बजट बताते हुए कहा, देश में एक ही अर्थशास्त्री और योग्य प्रधानमंत्री हुए जिनका नाम मनमोहन सिंह है। रालोद के जिला अध्यक्ष महेश कुमार जाटव ने एनडीए गठबंधन का धर्म निभाते हुए बजट को देश हित में बताया। वहीं सपा नेता और समाज सेवी विनय अग्रवाल ने आगरा के दर्द को बयां करते हुए कहा कि मोदी सरकार का बजट एनडीए का बजट है, भाजपा की बैसाखियों को मजबूत करने वाला बजट है। गैर भाजपा प्रदेशों की उपेक्षा करते हुए बजट का हेलीकॉप्टर बिहार और आंध्र प्रदेश तक उड़ाया गया है। मेरा नाम अश्वनी रावत एडवोकेट है, मैं आगरा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं का एग्जीक्यूटिव मेंबर। मैं इसको खास ये मानता हूँ कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो ये बजट लाया जा रहा है, ये बिल्कुल ही बेकार का, आदमियों को नुकसान पहुँचाने वाला बजट आया है, क्योंकि इसमें मध्यम वर्गीय आदमी के लिए कोई भी लोग या लालच का भय वो दिखाकर उसको खाली लूटा जा रहा है। उसके प्रति कोई भी कार्य ऐसा न बजट पास किया, न कोई ऐसा कार्य किया गया जिससे मध्यम वर्गीय आदमी को जीवन जीने में आसानी हो पाए। कैसे बजट अच्छा नहीं है ये? वो इस तरीके से बजट पास अच्छा नहीं हुआ कि अगर उनको ये सोचा जाए तो सबसे पहले तो पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी आनी चाहिए। इस तरीके की कई प्रक्रियाएं हैं जिनको सरकार बचा के चल रही है, जबकि हमारे देश में एक मध्यम वर्गीय आदमी के लिए जो राहत देनी चाहिए बजाय उनको बेकार करने के, खराब करने के, जैसे फ्री में राशन वितरित करना, इस तरीके की बात तो की जा रही है, लेकिन उनको आर्थिक जो लाभ मिले वो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही है। बढ़ोतरी होती लगी जा रही है, इस बजट के बाद भी महंगाई बढ़ी है, ना कि सामान्य आदमी को कोई लाभ होगा ऐसी प्रक्रिया बनाई गई। ठीक है, भारत देश के अंतर्गत ना आज तक कांग्रेस में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया, ना आज तक कोई बीजेपी का आया, सिर्फ हमारे देश में एक ही प्रधानमंत्री सफल प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह, जो बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे। उसके बाद में हमारे देश में जो भी घड़ा सिर्फ पर्सनल लाभ लेने के लिए पार्टी के लिए ये बातें कही जा रही है। लगातार निरंतर बढ़ोतरी हो रही है महंगाई में, उसके बाद में कोई भी काम सही नहीं हो रहा है। तो आने वाले 4 साल के अंतर्गत आप देख लीजिएगा कि भारत जो आज 5वें नंबर पर आर्थिक स्थिति में, वो 10वें नंबर को पार कर जाएगा और हमारे देश में भारी भुखमरी फैलनी है। मैं महेश कुमार जाटव, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल आगरा, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को इस आम बजट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। और कौशल विकास मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव और शिक्षा राज्य मंत्री मानी चौधरी जयंत सिंह जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस बजट में युवाओं के लिए, छोटे मझोले उद्योगों के लिए, सभी वर्गों का खास ध्यान रखा है। कृषि के लिए 152 करोड़ का जो बजट दिया है, 152 लाख करोड़ का जो बजट है, इसमें कृषि के क्षेत्र में भी एक क्रांति आएगी और युवाओं को 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर लगभग 4 करोड़ युवाओं को इसका लाभ होगा। ये भी युवाओं का भी बहुत विशेष ध्यान रखा है। दो
2 करोड़ किसानों के लिए नेचुरल फार्मेसी के लिए भी बजट में प्रावधान रखा है। तो बजट बहुत ही सराहनीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। नए रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपए सुरक्षित किए गए हैं, जिसमें युवाओं को नया रोजगार दिया जाएगा। इससे भी युवाओं को बहुत बड़ा लाभ हो। महंगाई जिस तरह से आम जनमानस महंगाई से परेशान होता है, उसके लिए क्या है बजट में? महंगाई से भी राहत मिलेगी, अलग से पैकेज दिया गया है महंगाई के लिए। किस तरह से चीज़ों में महंगाई में जैसे रोजमर्रा की चीज़ें हैं ये थोड़ी सी सस्ती होंगी। अब जीएसटी भी थोड़ा सा कई चीज़ों पर कम किया गया है। देखिए, पेट्रोल डीजल का रेट विदेशी मुद्रा के ऊपर चलता है, ये हमारा बजट नहीं है। पेट्रोल डीजल का बजट अलग से है और उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर भी नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये ठीक है, ये बात भी आपकी, मगर आज की स्थिति जो रोजगार लोगों का बढ़ा है, पहले मजदूरों को 200-250 रुपये मिलते थे, आज मजदूरों को 500 रुपये मिल रहे हैं। राजमिस्त्री मजदूरी का कार्य करता था मकान बनाने का, वो 450 रुपये में 2 साल पहले काम करता था, आज 700 रुपये मिल रहे हैं। तो उनकी आमदनी भी तो बढ़ रही है लोगों की। देखिए, ये भाजपा का बजट नहीं है, ना मोदी जी का बजट है, ये एनडीए का बजट है, यानी बैसाखियों पे चलने वाली सरकार का बजट है। और जो उम्मीद थी बैसाखियों पे चलने वाली सरकार की, उसी तरीके का बजट आया। बिहार और आंध्र के अलावा इन्हें पूरा भारत नहीं दिखता, इन्होंने 90% जनता की अनदेखी की है। महंगाई पे कोई चर्चा नहीं करी है इन्होंने, महंगाई कैसे कम होगी। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं करी है कि बेरोजगारी कैसे कम होगी। ऐसे अनेक मुद्दे हैं और जिस प्रदेश ने इनको प्रधानमंत्री दिया भाजपा को, उस प्रदेश के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं गया कि वहाँ क्या दिया जाए, कितना बड़ा पैकेज दिया जाए। सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा कोई चिंता नहीं करी है इन लोगों ने। आगरा को तो निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं कि आगरा की समस्याएँ कितनी है, और मैं तो देख रहा हूँ, मैं भी आज 50 साल का हो गया कि लोग मांग करते आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होना चाहिए, बैराज होना चाहिए, खंडपीठ होनी चाहिए, रिवर फ्रंट बनना चाहिए, और आगरा का विकास बहुत अच्छी तरह आईटी पार्क बन जाए। आगरा के अंदर बेरोजगारी बहुत है, क्योंकि इंडस्ट्रियां यहाँ से शिफ्ट हो गई है, इंडस्ट्रियां नहीं है। आईटी हब बन सकता है यहाँ पर, एम्स बन सकता है यहाँ पर, बहुत सारी मांग पेंडिंग चली आ रही है। और आगरा की जनता चाहती है कि एमजी रोड पर जो मेट्रो है वो अंडरग्राउंड बने, और एमजी रोड के ऊपर जो जाम की स्थिति रहती है उसके लिए वह एलिवेटेड रोड रहे। लेकिन आगरा की एक भी समस्याओं के ऊपर उन्होंने कोई बजट नहीं दिया है, आगरा के बारे में नहीं सोचा है इन्होंने। सिर्फ इनकी दिल्ली से जो फ्लैट चली है बिहार गई है, बिहार से आंध्र प्रदेश गई है, और आंध्र प्रदेश से आके दिल्ली में सेट हो गई है। सिर्फ ये इन्होंने त्रिकोणीय बजट पेश किया है, बहुकोणीय बजट पेश नहीं किया है इन्होंने। देखिए, अभी मेरे पास कुछ दिन पहले जो लोग एजिटेशन कर रहे थे एमजी रोड पर एलिवेटेड रोड बनना चाहिए और अंडरग्राउंड मेट्रो बनना चाहिए, उन लोगों का मेरे पे संपर्क हुआ, फ़ोन आया, तो उन लोगों का ये कहना था हम विधायक से मिल लिए, मंत्रियों से मिल लिए, बड़े बड़े मंत्रियों से प्रतिवेदन कर आए, मुख्यमंत्री से मिले आए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आगरा की बात को सुनने को तैयार नहीं है। आगरा की जनता जब तक इनको सबक नहीं सिखाएगी, जब तक इनको बताएगी नहीं कि जब हमारी मांगों पर यदि आप गौर नहीं करोगे तो हम सरकार पलट देंगे, यहाँ से एक भी विधायक और एमपी जीतने नहीं देंगे, आगरा के संग ये छलावा होता रहेगा। अब ये आगरा की जनता को सोचना है, यदि अपनी मांगों को पूर्ण कराना है तो किस तरीके से आगे उन्हें काम करना है। देखिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले पहले ये बात करें कि विश्व के अंदर 3रे स्थान पर हमारा देश आ जाएगा, लेकिन उस पर भी गौर करें कि टर्नओवर बढ़ाने से कुछ नहीं होता, इनकम भी बढ़नी चाहिए। आदमी की पर कैपिटा इनकम कितनी आज के विश्व के अंदर 160वें नंबर पर है, और आप करते हो हम 3रे नंबर पे आने की, क्या करोगे इतना जीडीपी बढ़ा के? पहले इनकम बढ़ाइए, आदमी मजदूर की इनकम बढ़ाइए, मध्यवर्गीय व्यक्ति की इनकम बढ़ाइए। आज मध्यवर्गीय व्यक्ति डूबा जा रहा है, आज देखिए मनमानी चल रही है महंगाई के अंदर, हर तरफ देखें बहुत महंगाई है। तो ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं ये धोखा है, सबसे पहले आमदनी बढ़ाइए। ओवरऑल बजट में ऐसा कुछ खास नहीं है, सिर्फ बैसाखियों को बचाने वाला बजट है और अपनी सरकार को बचाने वाला बजट है। आम बजट 2024-25 में भले ही MSME के बजट में धनराशि बढ़ाई गई हो, लेकिन मझोले और छोटे व्यापारियों के लिए बजट हितकारी नज़र नहीं आता। युवा व्यापारियों का मानना है कि मोदी सरकार वित्त मंत्री के साथ मिलकर देश की 90% जनता को ठगने का काम कर रही है। जूता व्यापार से जुड़े युवा व्यापारी प्रदीप पिप्पल ने कहा कि
जब से जूता व्यापार पर जीएसटी लगी है, जूता व्यापार की हालत पतली होती जा रही है। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार का ध्यान नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बजट में कुछ खास नहीं है। बजट का पूरा पुलिंदा धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने वाला नजर आता है। कांग्रेस के युवा नेता अनुज सेवरे ने कहा कि बजट जनता को गुमराह करने वाला बजट है। देश की 70% गरीब जनता को आयकर से कोई सरोकार नहीं होता। गरीब के लिए रोजी रोटी और कपड़ा मकान की सुविधा मायने रखती है। देश में बढ़ रही बेरोजगारी और महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है। जब तक गरीब का विकास नहीं होगा, विकसित भारत की कल्पना भाजपा सरकार का एक बड़ा झूठ है। ये जो आम बजट पेश हुआ है तीसरे कार्यकाल का, ये मेरे हिसाब से आम आदमी के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, बड़े उद्योगपति हैं, और उनके लिए विशेष रूप से इसमें जो पैकेज की व्यवस्था की गई है, इसके अंदर बजट के अंदर जैसे खासतौर पर देखिए देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो महत्वपूर्ण कार्य होने चाहिए वो इस बजट में नहीं दिखे, क्योंकि आज जो सरकारी अस्पतालों की, सरकारी स्कूलों की स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। वहाँ बच्चे पढ़ नहीं पाते और गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े वर्ग से आए हुए जो लोग हैं उनके बच्चे इनमें पढ़ते हैं, वही लोग ऐसे अस्पतालों में इलाज कराते हैं। तो बजट का मेरा मानना है कि मुख्य तौर पर जो हिस्सा है वो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए गवर्नमेंट को पर्सनली इस पर विशेष तौर पर फोकस करना चाहिए, और व्यापारी, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ, छोटा व्यापारी हूँ, तो छोटे व्यापारियों के लिए भी इसमें कोई विशेष तौर पर कोई बड़ा पैकेज, राहत पैकेज नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप आगरा की बात करें तो आगरा के जूता उद्योग इस समय निरंतर, दे दीजिए जब से 12% टैक्स स्लैब में जीएसटी का जूता हमारा आया है आगरा के अंदर, निरंतर नीचे की सेल हमारी गिरती जा रही है। आगरा के जितने भी कारोबारी हैं वो सब इससे व्यथित हैं। कई बार सरकार को, राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को इसके ऊपर ज्ञापन भी दिया जा चुका है, तमाम संगठन इसमें अपना बात कर चुके हैं, लेकिन सरकार की कानों पर इसकी जूनी लग रही है। देखिए, विकसित भारत एक शब्द है, विकसित मीन्स डेवलप्ड। डेवलप्ड आप किसे मानते हैं भाई? डेवलपमेंट का मतलब है कि जब इस देश की गरीबी जो दर है वो कम हो जाए, जो रोजगार है हमारा वो बढ़ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है, जो बेरोजगारी दर है वो घट जाए, मैं तो उसको विकसित मानता हूँ। अगर आप खाली जीडीपी को बढ़ने को विकसित मानते हैं, जब चंद आपने कॉरपोरेट्स और स्टॉक मार्केट से जो टर्नओवर बढ़े हुए हैं हमारे देश में कुछ चंद व्यापारियों के, उद्योगपतियों के, अगर वही चंद लोग उद्योगपति इस पूरी दुनिया के सबसे पैसे वाले बन जाएंगे तो उससे देश का गरीब जनमानस थोड़ी विकसित हो जाएगा। देश की विकास इसमें है कि छोटा आदमी, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसने कितना डेवलपमेंट हासिल किया। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष बजट में अहमियत दी गई है, क्या मानते हैं इस तरह के निर्णय? अरे वो तो देखिए सबको पता है, और उसमें कोई वो मजबूरी वाली बात है, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके सपोर्ट से आज केंद्र सरकार टिकी हुई है, तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान रखना उनके लिए एक मजबूरी है। और मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, किसी भी समुदाय के हों, वो सब बराबर होने चाहिए, और उनको जो भी लाभ देना है वो सबको बराबर देना चाहिए। ये तो बड़ी सोचने वाला विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो भी विशेष तौर पर उन्हें प्रधानमंत्री जी से इस बात का तो उन्हें आग्रह करना चाहिए, तो डबल इंजन की सरकार हमारे प्रदेश में चल रही है, तो अब मालूम बड़ी बड़ा इंजन छोटे इंजन को सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर ये सारे डब्बे बैठ जाएंगे। इसको एक एवरेज बजट ही कहेंगे हम, तो बहुत अच्छा बजट नहीं कहेंगे, एवरेज बजट। जनता के लिए तो लाभदायक नहीं है, मगर इन्होंने अपना जो गठबंधन था उनको लाभ पहुंचाने का एक सिर्फ विशेष दो राज्यों में जो पैकेज दिए हैं वो सिर्फ दो राज्यों को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए गरीब जनता का कोई भी फायदे का काम इस ना बजट में है, ना मैं समझता हूँ आने वाले समय में होगा, क्योंकि गरीब जनता, आम जनमानस का इस सरकार में लगातार दम घुट रहा है। लगातार गरीब जनता, मध्यम वर्गीय आदमी को ये सरकार चूसने का और लगातार कमज़ोर करने का काम कर रही है। इस बजट में आप ये देखिए कि देश की इकनॉमी, सबसे पहली चीज़ है इकनॉमी पे बात करनी चाहिए। इस बजट में इकनॉमी पे कहीं पे भी ऐसा जोर नहीं दिया गया कि देश की इकनॉमी बढ़े। देश की जीडीपी लगातार गिर रहा है, इस पे देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है लगातार।
युवाओं का सवाल आता है कि रोजगार का, जब तक युवा रोजगार नहीं मिलेगा युवाओं को, जब तक इस देश का भविष्य मैं समझता हूँ खतरे में है। तो इस सरकार ने इस बजट में ना युवाओं के लिए, ना महिलाओं के लिए, ना मैं विशेष आगरा की बात करूँगा, आगरा को विशेष एक उपहार, एक उम्मीद थी कि कोई ना कोई टूरिज़्म को बड़ा पैकेज मिलेगा, मगर आगरा को लॉलीपॉप दी गई है और सिर्फ बिहार और सहयोगी सिर्फ दो राज्यों को विशेष रूप से फ़ायदा पहुंचाने का काम किया गया। भारत में देश के प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री झूठ बोलने का जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिसमें विकसित भारत में पहली बार देश के इतिहास में पहली बार नीट परीक्षा लीक हो जाती है और देश के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि दे हमारे सरकार में पेपर ही लीक नहीं हुआ है, तो ये विकसित भारत, ये इनका विकसित भारत यही है जो आप देख रहे हैं, जो इससे पहले कार्यकाल हुआ है वो विकसित भारत ये कह सकते हैं, मगर युवा और गरीब महिला और लगातार शिक्षित युवा जो है भटक रहा है और उनका पेपर लीक हो रहा है। गरीब की बात कर रहे हैं, आम बजट में गरीब से लेकर मध्यम वर्ग के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ऐसा बजट पेश किया है। देखिए गरीब को फ़ायदा कैसे पहुंचेगा, गरीब को फ़ायदा पहुंचेगा गरीब की योजना लाने से, ना कि ये जवान चलाने से। गरीब का ना रिटर्न से कोई मतलब है, ना ये तमाम जो इन्होंने स्लैब डाले हैं सोना चांदी से कोई मतलब है। गरीब को सोना चांदी नहीं चाहिए, गरीब को सिर्फ रोटी और रोज़गार चाहिए, जिससे कि उसका रोज़गार जब होगा तो वो उससे आगे हर चीज़ से जूझे। लगातार महंगाई चरम सीमा पे, दालें 200 से ऊपर का भाव पकड़ रही हैं, टमाटर 100 रुपए से, आज आप बाज़ार में देखिए 100 रुपए से नीचे कोई सब्जी नहीं है, तो ये कहाँ विकसित भारत की बात कर रहे हैं। 100 रुपए से ऊपर से सारे भाव हैं सब्जियों के। ओवरऑल बजट को क्या कहना? ओवरऑल बजट को मैं ये कहूँगा कि देश की जनता के मैं फिर आँखों में धूल झोंकने का काम किया, देश को फिर एक लॉलीपॉप दी गई है। पिछले साल के बजट का विश्लेषण अभी बाकी है, बजट 2023-24 का विश्लेषण किया जाएगा तो सामने आएगा मोदी सरकार ने देश की 140 करोड़ जनता के आर्थिक स्तर में कितना सुधार किया, विकसित भारत के तहत कितना विकास किया गया, बजट की धनराशि का कितना सदुपयोग और बंदरबांट किया गया। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।